अच्छा देखिए, ये तो ना एक मुझे लगता है गुरुजी के साथ बिताए हुए हर पल हमारे लिए ना आज की डेट में एक सत्संग हो गया है। हमें ऐसे लगता है कि उस टाइम पे ये हुआ ये हुआ, लेकिन आपको सच्ची बता रही हूँ, उस टाइम हमारे को नहीं लगता था कि एक ही सत्संग बन जाएगा या ऐसा कुछ गुरुजी कर रहे हैं। उनके पास जाना शुरू हुआ यही एक खुशकिस्मती है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ना कहीं पढ़ा था हिज विल हिज वे एंड आर फेथ, ये चीज है। हम लोगों का कोई जाने का कोई वो नहीं था कि हमारे को जरूरत थी उन दिनों गुरुजी से कुछ मांगने की, या लाइफ में ऐसा नहीं था कि कोई ट्रेजेडी थी या कुछ चाहते थे या गुरु ध्याना था। मैं मेरे हस्बैंड ना बहुत सिंपल थे, हम लोग गौरी शंकर मंदिर जाते थे यहाँ दिल्ली के अंदर, और ठीक ठाक मतलब लाइफ, बच्चे थे छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं थी कुछ नहीं। लेकिन ना बुलावा होता है ना, वो दो चीजें होती है, गुरुजी कभी बुलाते हैं वो कुछ ना कुछ रीजन देते हैं, जैसे कोई परेशानी हो गई, कोई दुख दुख दुविधा हो गई, उससे बुलाते हैं। लेकिन कई बारी खास कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि आगे चल के ब्लेस करना होता है, या कुछ लिखा होता है उनकी जिंदगी के अंदर, या शायद आई थिंक आई एम वेरी लकी कि उन्होंने इस जन्म में इस शरीर के अंदर रहते आंखों से दर्शन दे दिया। मैं ना हर बार यही कहती हूँ और उनसे पूछती हूँ, गुरु जी मुझे दर्शन क्यों दिए आपने, ऐसा मतलब शायद मेरे अंदर कुछ अच्छा दिखाएगा आपको कि आपने बुला लिया। मतलब मन में ना यही आता है बार बार कि कुछ तो देखा होगा ना आपने, कुछ तो अच्छा दिखा होगा कि आपने बुला लिया, खुद से बुला लिया, नहीं तो हमारी क्या औकात है। मतलब आई डोंट थिंक वी आर दैट केपेबल, या हम इतना इस लायक है कि भगवान हमारे को बुला के दर्शन दे। तो ये है, आप सारे के सारे बहुत ब्लेस्ड है, अगर उन्होंने किसी जरिए भी कोई स्वरूप भिजवाया है, कोई फोटो, एक छोटी सी फोटो भी लगी हुई है ना अगर घर के अंदर, तो गुरु जी से बढ़कर नहीं है वो, एक आपका एक फैमिली मेंबर बड़ा है लाइफ के अंदर। मतलब जिंदगी के अंदर अगर आप 5-4 लोग रहते हैं, तो अगर गुरु जी के आने से हम 5 हो गए, एक बड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उसको उसी हिसाब से रखिए। मतलब मैं यही कहूंगी और कुछ नहीं है, गुरु जी के स्वरूप से बढ़कर कुछ नहीं है, वो खुद जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने टिल डेट प्रूव कर रहे हैं। टिल डेट 2006 में उन्होंने मेरे बेटे के लिए कहा था कि जिथे जाना है उत्थे एडमिशन हो जाना है, और क्योंकि आप वहां है उस जगह इतनी दूर, देखिए कैसे कनेक्शन। दीपक अंकल का फोन उसी दिन आया जिस दिन मेरे बेटे का एप्लीकेशन जा रहा था जॉन हॉपकिंस के अंदर, तो मेरे को लगा गुरु जी शायद हो सकता है आपका इंडिकेशन है, ये इस लड़के का एडमिशन होना है शायद वहां, तो इसका उसका एप्लीकेशन। एंड मैं आई वाज वेरी सरप्राइज जब उनका टेक्स्ट आया, तो तब मेरे को थोड़ा सा इंडिकेट हो गया था कि शायद, लेकिन उसने बहुत मेहनत करी, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका जॉन हॉपकिंस के अंदर हो गया, बाल्टीमोर के अंदर, एंड उसका एडमिशन अभी रिसेंटली ही पता लगा है। तो ये एक थोड़ी सी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। और गुरुजी ने तब कहा था, स्कूल तब एडमिशन होना था, तब कहा था जिथे छाना है उत्थे हो जाना है, और ये सेम बात सेम आवाज मुझे यहाँ दरबार के अंदर इनके पास बैठी हुई थी कि बच्चा परेशान है, गुरुजी देखो कहाँ करना है कैसे करना है, आप जानो, अगर सही होगा तो कर देना, नहीं होगा तो मत करना, कोई बात नहीं, और रास्ता आप निकाल दोगे कोई ना कोई। लेकिन गुरु जी की आवाज यही गद्दी बैठ के आई, जिथे जाना है उत्थे हो जाना, उन्होंने कह दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने उसको तभी कहा था कि अरे आपका एडमिशन हो जाएगा, हाउ कैन यू बी सो श्योर मॉम, आई सेड आई डोंट नो बट आई हैव सम आई डोंट नो, मेरे को आवाज आई गुरु जी की, उन्होंने सेम वर्ड्स उन्होंने रिपीट किए, तो मुझे लगता है शायद आपका हो जाएगा, एंड उसका हो गया। इट्स अ गुड, इट्स अ बिग थिंग। एंड दीपक अंकल का टेक्स्ट आया, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने देखा कि उस जगह से जहाँ से मैंने, आप कहाँ रहते हैं, तो इट वॉज वेरी नियर बाय। तो देखिए ना इस तरीके से गुरु जी ने संगत जोड़ दी, कभी आई थिंक गुरु जी ने इससे जोड़ा कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हुई कुछ चाहिए, तो आई कैन एक्चुअली आई कैन रिलाई ऑन यू कि देखो इतनी दूर बच्चा जा रहा है, ही विल बी गोइंग नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स, एंड आई विल शेयर विद यू ऑल
और आप सारी फैमिली वहां पे आ गई है, सारी की सारी मेरी गुरुजी की फैमिली, तो आई एम श्योर गुरुजी ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे हम लोगों को करते हैं। शुरुआत से बताऊंगी, हमें कुछ नहीं पता था कि गुरु कैसे आते, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि क्या कोई नॉर्म्स नहीं थे, कुछ नहीं था, बट जाना शुरू कैसे किया ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन लंगर का सामान हमारे यहाँ से जाता ही था, गुरु जी के एम्पायर स्टेट जाता था, काफी टाइम से जा रहा था। एक संगत आती थी, पैसे दे जाती थी, और मेरे हस्बैंड को संजय को कहती थी कि भैया ये पैसे रख लो और ये लिस्ट रख लो, गुरुजी अपने हाथ से लिखते थे, ये लिस्ट रख लो और सामान ना एम्पायर स्टेट भेज देना, अगर कम हो पैसे तो वहां से मिल जाएंगे और अगर ज्यादा हो तो वहां पे बैलेंस दे देना। सो दिस वॉज वेरी सिंपल, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि आओ, बट यहाँ डॉक्टर अमिता वहां सेवा करती थी बड़े माली भैया के साथ राम अवतार, तो वो दोनों ने आना जब स्टार्ट किया तो शायद गुरुजी का बुलावा था, और उन्होंने आके मेरे हस्बैंड को कहा संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे, कह रहे कौन गुरुजी, कहते एम्पायर स्टेट बैठते हैं और वो ना तेरे को बुला रहे हैं। तो संजय ने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा कि मैं कहाँ आऊंगा जी, कोई जैसे ना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, और वो था कि हम लोगों को लगा भी नहीं ऐसा कि जाना चाहिए या देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा आप डॉक्टर होकर रॉकलैंड हॉस्पिटल की डॉक्टर हो के आप कहाँ गुरु के चक्करों में पड़ गए हो, क्योंकि सी दिल्ली के अंदर गुरु पहले ही थे और रहे हैं, तो हम लोगों को ना एक माइंड सेट ना गुरु वर्ड से ना वो था कि ये ना सारे ना ऐसे ही होते हैं, ये ना बुलाते हैं, और थोड़ा सा ना मतलब क्या हम सब जानते हैं कि दे मस्ट बी समथिंग, कोई ऐसे ढोंगी हो गए ऐसा कुछ, देखिए दिमाग की बात है, आई एम सॉरी गुरुजी ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ दिमाग में ये जरूर था हम सबके कि नहीं जाना चाहिए गुरु के पास, ठीक है भगवान के मत्था टेकते हैं, मंदिरों की तरफ हम लोग ज्यादा इंक्लाइन थे कि मंदिर है मत्था टेका, गौरी शंकर मंदिर रात को 11 बजे जाते थे, वहां पर आरती होती थी, सब देख कर आते थे, बाबा की पिंडी सारी साफ होके द्वारा तरीके से सजा कर वो लोग बाबा की आखिरी आरती जब करते थे ना तो वो हटा देती थी सबको, साइड पे हो जाओ बाबा अंदर आ रहे है, बाबा अंदर आ रहे, तो ब्यूटीफुल लगता था बहुत ज्यादा कि जैसी सारी संगत को साइड पे खड़ा करते थे और मेन गेट ना खाली छोड़ देते थे कि देखिए बाबा आ रहे आके विराजेंगे, तो उसी के अंदर हम लोग वी वर वेरी हैप्पी, वही ना माला लेके जाते थे, प्रसाद लेके जाते थे, वहां पंडित जी को माला दे दी, माला उन्होंने बाबा को पहनाई, दूसरी माला निकाल के गले में डाल दी, प्रसाद किया, 100 रुपए पंडित को दे दिए, तो मतलब ये एक नियम था एवरी मंडे गौरी शंकर मंदिर, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि आप कहाँ गुरु, नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन थी तब ये हुई, उसके बाद दोबारा आई तब वो हर बारी आती थी, हर बारी बोलती थी कि संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे, कह रहे कहाँ मैं जी मैं तो इतना बिजी हूँ कहाँ आ पाऊंगा, हम लोगों की संडे भी दुकान खुलती है तो नहीं हो सकता, चलो देखूंगा चलो देखूंगा, ऐसे करके बात खत्म हो गई, गुरुजी के पास गई नहीं, लेकिन हाँ लंगर का सामान मंगाते रहे गुरुजी मंगाते रहे। और फिर एक दिन उसने यही आगा बात करते करते कि चल ठीक है तेरे को ना गुरुजी अपने आप बुलाएंगे, जब उन्होंने बुलाना है अपने आप बुलाएंगे, कह रहा ठीक है देख लेंगे। तो मेरे फादर वॉज ऑन वेंटिलेटर, He was in Gangaram Hospital and आखिरी अपनी सांसें गिन रहे थे मेरे फादर। देखो ना एक जरिया होता है बनाने का, शायद मेरे पापा को 97 के अंदर उन्होंने एस ब्लॉक बुलाया था, उन्होंने मेरे पापा को तभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, गाउट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी एंड थोड़ा सा किडनी इफेक्ट हो रही थी, तब गुरुजी ने पापा गए थे मैं अपनी सिस्टर के कहने पर मेरी बुआ के कि जलंधर वाले कोई अमृत वाले गुरुजी है तू चल देख, देख कर ना वो ना अमृत देते हैं तो शायद तू ठीक हो जाए, थोड़ा सा तेको दिक्कत हो गई है। तो माय मॉम एंड डैड वेंट देयर, छोटी सी बेसमेंट थी, 4 सीढ़ी उतर के नीचे गए, व्हाइट कलर की कॉन्टेसा के अंदर गुरुजी अंदर आए, कुर्ता पजामा पहनते थे,
97 में उन्होंने एक रुद्राक्ष की माला के अंदर माला उसके अंदर एक ग्लास के अंदर जल था उसके अंदर डाल के आंख बंद करके ऐसे निकाल के ना पापा को दी, पापा ने पी ली। उसके बाद पापा नहीं गए क्योंकि गुरुजी ना बात नहीं करते थे किसी से कि ये कर लो, और हम लोगों को आदत थी जैसे पंडितों के पास जाने की, वो उपाय बता देता था तो एक सैटिस्फैक्शन, दैट वाज जस्ट अ मियर सैटिस्फैक्शन होती थी कि हाँ पंडित ने ये चीज बोली है तो ठीक हो जाएगा। बट गुरुजी बात नहीं करते थे, उन्होंने पापा को जल दिया, पापा ने जल लिया, यस ही डिड, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद उनका, ही डिड सर्वाइव फॉर सम टाइम 97 से 2006 के अंदर। दोबारा से वो किडनी द्वारा फेन हो गई, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गए थे उनको, हेपेटाइटिस हो गई थी क्योंकि जो किडनी लगाई थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हेपेटाइटिस की हो गई थी उनको, तो लिवर उनका खराब हो गया था उस वजह से वो किडनी भी आई थिंक 7-8 years फेल हो गई थी फिर से। तो ही वॉज ऑन वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पे थे, बात हो रही थी, संडे का दिन था, एक नॉर्मल बात हो रही थी, मेरे ब्रदर के पास एक संगत का फोन आता है, इंटरव्यू कॉल थी, देखो इंटरव्यू कॉल के जरिए फोन आया कि इंटरव्यू लेना है, माय ब्रदर सेड नो माय डैड इज नॉट वेल, ही इज ऑन वेंटिलेटर तो आई कैन नॉट टेक योर इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा कि इफ यू डोंट माइंड आप एक काम कीजिए, बायर स्ट्रीट में हमारे गुरुजी बैठते हैं, आप अपने डैड की फोटोग्राफ लेकर आ जाइए, वो ना भगवान है हमारे, महापुरुष है, शायद वो कुछ कर सके, ब्लेस कर देंगे, उसके ये कहना था। एंड माय मन में देखिए ना वो ही जैसे गुरुजी ने डाला उस वक्त, माय हस्बैंड डिडंट नो दैट ही वाज द सेम गुरु जहां पर लंगर का सामान जाता था। माय हस्बैंड आल्सो वाज स्टैंडिंग देयर, कह रहे चल ठीक है हम दोनों ही चलते हैं, संडे का दिन था, एक होता है ना कि ब्रदर अकेला जा रहा था, तो माय हस्बैंड से चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, तो दोनों के दोनों वहां चले गए एम्पायर स्ट्रीट बार बरांडा, वहां जाके जैसे तैयार होके पापा की फोटो लेके गए बरांडे में, वहां जाके बैठ गए, वहां जाके बैठ गए क्योंकि मेन दरवाजा खुला नहीं था तब, 6 o'clock के गए, अंदर से एक सेवादार आया, उसने बिठाया, गुरुजी की बातें करनी स्टार्ट करी, आप पहली बार आए हैं, गुरुजी हमारे भगवान है, वो ऐसे ब्लेस करते हैं, थोड़ा सा उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि कैंसर गुरुजी ने ठीक कर दिया, तब इतना ध्यान ही दिया, हो सकता हमें लगा चलो ठीक है कोई मिरेकल करते होंगे, कोई उपाय देते होंगे, कुछ कहते होंगे ये कर लो, कोई दवाई देते होंगे, ऐसा ना दिमाग में आया, जैसे अगर कोई सत्संग इस तरीके से सुनाता है गुरुजी ने जैसे हेल्थ ब्लेस कर दिया और गुरुजी ने, तब ऐसा कुछ नहीं कहता था, पता था कुछ नहीं था। तो अंदर गए, अंदर गए गुरुजी हैंडसम खड़े हुए थे, मतलब शर्ट पैंट के अंदर, मतलब कहीं से भी कहीं तक गुरुजी, गुरुजी का एक जो होती है ना एक इम्प्रेशन के गुरु किस तरीके से होते हैं, जैसे अलोंग रोब होएगा कोई ऑरेंज कलर का, एंड ही मस्ट बी फुल ऑफ यू नो मालाएं वगैरह पहन रखी होगी, गले में लंबी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, यू नो दैट वे, सो यू नॉट लाइक दैट। बट माय हस्बैंड माय ब्रदर वेंट, वहां जाके सारे मत्था टेक रहे थे, तो गुरुजी के शूज एडिडास के शूज पहने हुए थे, वहां मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद बैठ गए, जी डीजे अंकल थे वहां पर जो गाने लगाते थे वो अपना गाने लगाने लग गए, गाने चलते थे थोड़े से बीच बीच में, ये नहीं था कि बिल्कुल ठेठ कुर्बानी वाले शब्द चलते थे, सिंपल वेरी सिंपल शब्द चलते थे, मतलब जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते थे, थोड़ा सा ठेठ मतलब पंजाबी नहीं चलती थी बहुत ज्यादा, बहुत कम चली है मेरे को नहीं सुना मैंने। तो वहां गए दोनों के दोनों बैठ गए, वहां पे जाके चाय प्रसाद आ गई, सेवादार ने कहा पूरी फिनिश करनी है वो करी, बट दैट ऑरा दे वर वेरी सरप्राइज टू सी वाओ, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे, मेनका गांधी जी आई, सारे आते रहे, सारी संगत बहुत वेरी पॉश पीपल, क्रीम गुरुजी के सामने आती रही, आके देखते रहे उनको। उसके बाद गुरुजी रूम में गए, एंड माय गॉड रूम के अंदर को चोला चेंज करके जब आए, अलग ही नजारा था तब तो, उस वक्त आके बैठे गद्दी पर, गद्दी पे बैठ के उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली अपनी, किसी से कोई जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं किया, 9 बजे
मैट बिछ गए, चार संगत बैठ के लंगर करने लगी। दोनों के दोनों, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर, दोनों बैठे रहे, लंगर खाया। लंगर खाने के बाद बाहर जाते थे, बाहर वाटर कूलर लगा होता था तो वहां पर हाथ धोते थे या पानी पीते थे। फिर उसके बाद आज्ञा लेके गुरुजी से जिसने जाना होता था चले जाते थे, और अगर गुरुजी ने किसी को बैठाना होता था तो वो बैठ जाते थे, गुरुजी इशारा करते थे बैठ जाते थे। ऐसा हुआ, ऐसा हो कि पहले बाहर गए, बाहर गए तो मेरे हस्बैंड ने बोला, यार उसको बुला परीक्षित को, कहाँ है वो, आके उससे पूछ तो सही कि क्या फोटो पापा के लेके। तो फोन किया उसको, कहता वो आया फटाफट, कहता गुरुजी से बात हुई? तो मेरे ब्रदर ने कहा नहीं हुई। तो कह रहे आ जाओ मैं बात कराता हूँ। तो मेरे हस्बैंड को रोक दिया उसने, उसने कहा आप यहीं रुको, मैं खाली इनको लेके जाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा कि यार 6 बज गए हैं 6 बजे से रात को 9:30 बज गए हैं, तो ये क्या हुआ। तो 2 मिनट के अंदर मेरा ब्रदर बाहर आ गया, खेल क्या हुआ मेरे मेरे हस्बैंड ने बोला। तो कहते कुछ नहीं, मैंने मैम आ गया था तो गुरुजी ने कहा कौन है का? तो तेरा बॉस है का? तो वो कहते नहीं नहीं गुरुजी अभी इंटरव्यू देना है मेरे को इनके ना फादर, इतना ही बोला। मेरे भाई ने ना पापा की फोटो ऐसे दिखाई, तो गुरुजी ने देखा और कहा जा, जो होना है चंगा होना है। मतलब गुरुजी ना ऐसे हाथ हिलाते थे ना, तो वो कहते थे जा, जो होना है चंगा होना है। मेरा भाई वापस आ गया, कहता यही कहा उन्होंने, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मेरे हस्बैंड को ना, संजय को उस दिन ना डॉक्टर अमिता जल की सेवा में दिख गए। उसने कहा एक मिनट रुक जा, मैं किसी को जानता हूँ, मेरे को ना कोई दिखा मैं मिल के आता हूँ। तो जैसे ही संजय वहां गया ना, अमिता दी तो पहचानती थी, वो इतना खुश हो गई, कह रही हो माय गॉड संजय, देखा तेरे को गुरुजी ने ना बुला लिया, मैंने तेरे को कहा था ना गुरुजी ने तेरे को देख बुला ही लिया। तो माय हस्बैंड थोड़ा सा तो उनको डाउटफुल था कि शायद ये वही गुरुजी है। तो कहते अच्छा 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 यहाँ आता है हमारा सामान? कह रहे हाँ हाँ हाँ, लंगर का सामान यही आता है। तो ही वाज लाइक ओके के, तो कहते शी सेड गुरुजी से बात हुई? तो संजय कहता नहीं नहीं बात नहीं हुई। तब संजय ने कुछ नहीं बताया था कि संजय किस रीजन से आया था वहां या क्या क्या जरिया था। तो कहती चल मैं तेरे को लेके चलती हूँ अंदर गुरुजी से मिलाने के लिए। तो उसने एक्चुअली एक सेवादार को कहा कि मैं आ रही हूँ, 2 मिनट आप सेवा मेरी टेक ओवर कर लो। तो शी टुक माय हस्बैंड इनसाइड। तो गुरुजी किसी से बात कर रहे थे, एकदम से संजय आए नीचे बैठे जैसे ही, तो अमिता दी ना ऐसे कान में गुरुजी के ना बोलने लगी, गुरुजी ये, कह रहे हाँ हाँ कौन है का? तेरा परा आएगा? तो कह रही नहीं 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 गुरुजी। अच्छा अच्छा तो क्या डॉक्टर है का? मतलब गुरुजी का ना एक ये जानते सब थे लेकिन उन्होंने कभी जतलाया नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे उन्होंने ना तब चोला उतार के वो नॉर्मल आ गए थे शर्ट पैंट के अंदर। तो वो जब शर्ट पैंट में होते थे ना तो बहुत बड़े अच्छे मूड में होते थे, वो ना इस तरीके से मतलब बातें करते थे और बड़ा मजाक करते थे, तो इस तरीके की बातें करते। कहते कौन है का? तेरा पराएगा? कह रही नहीं 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 गुरुजी। कहते अच्छा 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 डॉक्टर है का? तो कह रही नहीं 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 गुरुजी। तो कह रहे फिर कौन है का? तो वो जैसे ही कान में बोलने लगी, गुरुजी ये ना संजय। अच्छा 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 साडा राशन पानी वाला है का? ओए बड़ा महंगा लांदा है तू। तो गुरुजी ने ना एकदम से ऐसे करके बोला। तो देखिए एक ना होता है ना कि अगर गुरुजी ने कुछ भी करवाना होता है ना वो ही करवाते, हम कुछ नहीं है, हमारे शरीर एकदम से नम हो जाता है एंड हम डेड हो जाते हैं, एक फील होती है, हम लोग सोचते हैं ना कि हमने ऐसा कर दिया, नहीं उन्होंने कराया तो किया, नहीं तो अदरवाइज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी हम नहीं सोच सकते कि हम ऐसा करेंगे, सोच के कुछ जाते हैं लेकिन हो कुछ जाता है, वो गुरुजी करते हैं। एकदम से गुरुजी ने बोला बड़ा महंगा लांदा है तू। तो उसने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने एकदम से गुरुजी के दोनों पाँव पकड़ लिए बहुत जोर से और ये बोला, एक ना गुरुजी जो है आपका है। तो ऐसा तो ये भी नहीं था कि मतलब उसके मन में कोई बात थी या कुछ था, गुरुजी ने मुंह से निकलवाया अपने सामने, जो है आपका है। तो ना बड़ी जोर से हंसे, हंसने लग गए और कहते हैं जा ऐश कर।
तो उन्होंने ना ये वर्ड्स बोले एंड मत्था टेक के ना मेरे हस्बैंड वापस आ गए। ऐसा फर्स्ट गो के अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई अंदर से के अच्छा जरूर लगा, अच्छा बहुत लगा, बहुत ईज, बहुत ही वॉज एट पीस, अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स, एक ना रिलैक्स हो गए, लेकिन ये नहीं एहसास नहीं हुआ कि इस वजह से रिलैक्स हुए है या इस वजह से कुछ चेंज हुआ है हमारे अंदर। बट यस ऑफकोर्स गुरुजी ने जितना करना था वो करा और अच्छा लगा, वापिस आ गए, मेरे से कोई बात नहीं करी उस वक्त। दो दिन के बाद उस दिन ना उन्होंने ना अमिता दी का ना नंबर लिया, क्योंकि नंबर भी नहीं लिया हुआ था, तो अमिता ने संजय का नंबर लिया, अपना नंबर दे दे, और संजय ने उनका नंबर लिया, तो ऐसे करके नंबर्स एक्सचेंज हुए। और ट्यूसडे मॉर्निंग 4 AM मेरे डैड वेंट वेंटिलेटर से, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आप देखिए हमें वेंटिलेटर थोड़ा धीरे धीरे कर, बिकॉज हिज ऑर्गन्स आर धीरे धीरे ही डिटेरियोरेटिंग। तो हमने कहा ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। तो धीरे धीरे माय पापा वेंट ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे को डॉक्टर अमिता का फोन संजय के पास आ गया, नंबर था, संजय तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है? कह रहे हाँ जी, आपको कैसे पता? तो कह रहे गुरु जी कह रहे थे। तो कहते मतलब ही वाज क्वाइट सरप्राइज बाय दिस वाज, अच्छा गुरु जी कह रहे थे, उनको कैसे पता? तो कहते हैं गुरु जी कह रहे थे कि बहुत कष्ट सीगे मुक्ति दे दित्ती। और उसके बाद गुरु जी कहते ओनू कह संजय नु कह थैंक्स बोलने आए। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज वर्ड कि थैंक्स बोलने आए। तो संजय को ना बहुत अजीब लगा, संजय सेड कि यार मेरे फादर लॉ की डेथ हो गई, थैंक्स बोलने क्यों आऊं मैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? मतलब ही वाज क्वाइट सरप्राइज, ही कुड नॉट से एनीथिंग। कह रहे यार आप कैसी बातें कर रहे हो, थैंक्स बोलने आऊं यार? और मतलब एक वो इधर मजाक की बात होती जैसे एक बंदा चला गया और थैंक्स बोलने आए, क्या है मैं नहीं आ रहा, चलो ठीक है। ऐसे करके बात उसने अपना चैट बंद करी। तो उसके बाद वो एक दिन दोबारा फोन आया, संजय ते को गुरु जी बुला रहे। तो कहता नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं ठीक हूँ, ऐसे करके। एक दिन ना वो लंगर का सामान दुकान पे लेने के लिए आई, वो और माली भैया सामान लेने के लिए आया, और कहते हैं संजय तेरे को ना गुरु जी बुला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि थैंक्स बोल लिया। कह रहे देखो मेरी बात सुनो, मेरे थे फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ थे, और जिसके फादर है वो जाए ना थैंक्स बोलने के लिए, कि अगर कोई बात है या कुछ है, अगर गुरुजी ने ऐसा कुछ किया है तो वो जाए थैंक्स बोलने, मैं क्यों जाऊं? तो आप उसको बोलो वो आएगा मेरे। तो कहती है कि एक बारी ना मेरे कहने से आ जा तू, लेकिन अगर तुझे, लेकिन वो बुला रहे हैं तेरे को ना कोई, मतलब उसने ना इतना अथॉरिटिवली बोला, तो माई हस्बैंड थॉट कि यार हो सकता है कोई बात होगी, बिकॉज ऑब्वियसली द फर्स्ट जब एक इम्प्रेशन होता है कि सी द क्राउड, एक बहुत अच्छा लगा था, साफ सुथरे तरीके से वहां गुरु जी बैठे हुए थे, कोई वहां पर जैसे हम लोग होते ना, कोई वहां पर ऐसा नहीं था कि रुपया पैसा का दिखावा या रुपया पैसे का दान दक्षिणा, ऐसा कुछ नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई वहां फूलों का इतना वो नहीं था, मतलब इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अ मंदिर, दैट वॉज अ रिलैक्स एक रूम था, मतलब बड़ा अच्छा लगा, बड़ी वॉर्म्थ थी वहां। एंड गुरु जी का ऑरा ऑफ कोर्स ऐसा था कि एक ना खिंचाव, एक खिंचता था एक इंसान जाने के लिए ना, मतलब एक एक पुश थी, एक मन करता था जाने का अपने, और नहीं भी करता था ना, जैसे तैसे जाने का मन करता था। तो उसने ना फिर आके बोला मेरे को कि एक ना गुरु जी है, मैं वहां गया था पापा के टाइम पे, तो तू चलेगी, चल चलते हैं एम्पायर स्टेट। मेरा भी फर्स्ट यही था कि गुरु के पास क्यों जाना, क्या करना है जाके हम लोग, और ऐसे करके। तो उसने भी यही बताया कि थैंक्स बोलने के लिए बुला रहे हैं, पापा चले गए। तो मैंने कहा यार थैंक्स बोलने की क्या बात हुई? तो एक ना फर्स्ट उसके अंदर ही मैंने कहा थैंक्स बोलने, पापा चले गए, वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड एट द टाइम कि पापा चले गए हैं तो थैंक्स बोलने क्यों जाना, हम लोग ऐसे किसी की डेथ हो जाती है और हम थैंक्स बोलने जाते हैं कि डेथ हो गई है एंड थैंक यू डेथ हो गई, ऐसे नहीं अच्छा लगता। तो ही सेड नहीं नहीं चल कोई बात नहीं, वहां से हम लोग आ गए, थोड़ा सा तेरा काम है, बिकॉज आई वॉज अ टीचर हियर, आई हैड माई स्कूल हियर, आई वॉज एन आर्टिस्ट, तो मैं यहाँ पर क्लासेस लेती थी, मेरा इंस्टीट्यूट था यहाँ
क्लासेस लेती थी, सिखाती थी बच्चों को, तो मेरे को थोड़ा पॉटरी वगैरह का शौक था, तो मैं पॉट्स लेने जाती थी एम्पायर स्टेट के आगे जाके। वहां पर कुम्हार होते थे बहुत सारे, रॉट आयरन के फ्रेम्स, ये सारी चीजें ना सेरामिक पेंटिंग वगैरह के लिए चीजें चाहिए होती थी, रॉ मटेरियल, तो वो लेने के लिए जाते थे। संजय सेठ के चलते हैं, संडे का टाइम है, वहां से फिर आगे चलेंगे, चलते हैं। अमिता बहुत गहरी है, हो सकता है कोई बात है, वी जस्ट वेंट। ऐसे हुआ फर्स्ट टाइम मैं तब गई, तब आई वॉज वेरी फैट एट दैट टाइम, माई डॉटर वॉज नियरली 2 years हुई थी और मैं बहुत मोटी थी, तो वहाँ हम सेम चीज हुई, हम गए 6 बजे पहुंचे डे टाइम के अंदर, वहाँ उन्होंने वरांडे में बिठा दिया। सिंगल अंकल का बेटा था अरविंद, वो आया कुर्ते पजामे के, था गुरु जी के यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, माय हस्बैंड सहित मैं पहले आ चुका हूँ, ये फर्स्ट टाइम आई है। वो भी एज यूजुअल थोड़ा बैठ के, जब तक गेट नहीं खोल रहा था, सत्संग सुनाता रहा, गुरु जी ने मेरी हेल्थ ब्लेस करी है, गुरुजी ने ऐसे कहा। आई वॉज सिटिंग क्वाइटली ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। वहां पे जब हम जाते थे ना, तो फर्स्ट टाइम मेरे को अभी भी याद है, बिल्कुल ब्लैंक, दिमाग में कुछ नहीं था कि क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसने जो बोला सुन लिया। बट शायद ना गुरुजी ने उस टाइम पे ना एकदम दिमाग, जैसे कहते ना बंद, एक्चुअली हम लोग वहां गए तो थे लेकिन हमें लगा कि कोई रीजन नहीं था, देयर वाज नो रीजन, बट ही वेंट, यस ऑफ कोर्स ही कॉल्ड अस, ही वेंट। बैठे हुए थे, उठे, दरवाजा खुला, जैसे अंदर गए, वहां तब ज्यादा संगत नहीं होती थी, 3-4 लोग होते थे आगे। गुरुजी वाज टॉकिंग टू सम संगर, साइड से खड़े होके ना बात कर रहे थे, किचन के बाहर कैबिनेट के साथ नील करके, वो अक्सर कैबिनेट के ऊपर बैठते थे, तो कैबिनेट के अगेंस्ट वो आगे नील करके खड़े हुए थे, शायद वॉक करके आए थे, एकदम वॉकिंग शूज के अंदर थे और रेड कलर का उन्होंने शर्ट पहना हुआ था, ब्लैक कलर की ट्राउजर सिंपल, और एडिडास के शूज पहन रखे थे उन्होंने, वो खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। संगत आगे आ रही थी, मेरे आगे संगत थी, उन्होंने मत्था टेका वही कैबिनेट के वहां अगेंस्ट, नीचे मत्था टेका, चरण छुए, कोई पैर दबा रहा, कोई चरण उठा के ही माथे पे ऐसे करके लगा रहा था। गुरुजी वॉज नॉट, मतलब नॉट इवन लुकिंग, एक फर्स्ट इम्प्रेशन गुरुजी ने देखो कैसा दिया था मेरे को, तो आई सेड कि यार ही इज वेरी हैंडसम एंड वेरी यंग, ऑफ कोर्स कहीं से भी कहीं तक गुरुजी, नहीं तो उम्र ज्यादा नहीं थी, नहीं तो ऐसा था कि गुरु लग रहे थे, एक वो लुक वॉज वेरी वेरी नाइस, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यंग मैन स्टैंडिंग। तो मन में ना एक्चुअली उस वक्त फील नहीं आई थी कि मेरे को पैर में कैसे छू, ही सो यंग, ही सो गुड लुकिंग, एकदम गंजे से है, और एकदम चेहरा उनका ऐसा था, इतना उनका माथा इतना ग्लो कर रहा था, ही वाज टॉकिंग, ही वाज स्माइलिंग, ऐसा नहीं था कि वो ध्यान में बैठे हुए थे, एक वो फील नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो आई वॉज मन में एक, यार मैं कैसे पैर छूंगी, इतने यंग है, मन में ना ऐसे चल रहा था, मैं पैर नहीं छूंगी, बहुत यंग है यार, ऐसे इस तरीके से। और एक वो भी देख रही थी कि आगे संगत पैर छू रही थी, तो गुरुजी आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे गुरुजी। तो मन में ऐसा आया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, मतलब अजीब सा थोड़ा लगा फर्स्ट लुक के अंदर। मेरी टर्न आई एंड मैं जब बेंड हुई नीचे, तो गुरुजी कैबिनेट के ऊपर जाके बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों पैर फोल्ड कर लिए और उन्हें ना फिर वो ऐसे करके बैठ गए और मुझे नीचे देख रहे और मुझे ना हंस रहे। तो मैं नीचे बैठी हुई और मैं ऐसे करके ऊपर देख रही हूँ, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, मतलब कुछ बोल तो सकते नहीं थे, हिम्मत तो थी नहीं बोलने की, लेकिन एक ना अजीब ही फीलिंग हुई। मैंने कहा ये क्या, मैं नीचे बैंड हुई हूँ एंड दिस, आई टुक इट एज माई इंसल्ट। मैंने कहा माई गॉड What is this? ये क्या किया? लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि he can read minds, और एक सेकेंड के अंदर उन्होंने नहीं छूने ना छुआ, कोई गल नहीं, मतलब he was like, शायद अब आज लगता है गुरुजी क्या किया था आपने उस वक्त, तो क्या मुझे लग रहा है शायद गुरुजी ने कहा था तब नहीं छुआने थे ना, नहीं छुआए, देख ले जो तू चांदी है ना वही होगा, तूने नहीं छूने ना छू, छूने जब तो छू लियो, लाइक दैट। तो आज हंसी आती है अपने ऊपर की, ओ माय गॉड क्या क्या गुरुजी ने करवाया और क्या क्या हमने किया। तो मैं जाके ना चुपचाप साइड पे जाके खड़ी हो गई,
शब्द चल रहे थे वहां, गुरु मेरी पूजा चला था वहां, मैंने फर्स्ट टाइम वहां सुना था, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा बड़ा अच्छा गाना है, ऐसे दिमाग में आता ना बड़ा अच्छा गाना है। तो हम लोग जाके ना आगे जाके बैठ गए, वहां गुरु जी गद्दी के एकदम साथ जाके बैठ गए और शब्द चलते रहे। गुरु जी एज यूजल 7 o'clock अंदर गए अपने रूम के अंदर, एंड रेड कलर का, रेड एंड गोल्डन ब्यूटिफुल बॉर्डर पहन के गुरुजी, फ्लोर टचिंग, अ वेरी बिग साइज, मतलब जैसे उनका चोला ऐसे था नीचे फ्लोर टच कर रहा था, उनका जो ये ऊपर लेते हैं स्टोल, लेते हैं स्टोल भी दैट वाज आल्सो फ्लोर टचिंग, फ्लोर टच होता हुआ नीचे, और वो ना रूम से गद्दी तक इस तरीके से ऐसे चल के आ रहे थे। ही वाज फ्लॉन्टिंग एंड इज And his aura was such कि सामने से ना कोई ना जैसे राजा महाराजा आ रहा होता है ना जैसे, और सारी जैसे प्रजा बैठी होती है उस तरीके से, और ना सारे उठ गए जैसे ही गुरुजी रूम खोला ना, सारे उठ के खड़े हो गए सारे के सारे, और हाथ जोड़ के ऐसे जैसे इन अ लाइन, इन बोथ द लाइन संगत थी, और गुरुजी ऐसे बीच में से चल के आए आए और गद्दी में जाके विराजमान हुए। जैसी वो गद्दी पे जाके बैठे, उन्होंने अपना पैर पैर पे रखा, फोल्ड किया, फोल्ड करके उन्होंने अपना थोड़ा सा चोला, अपनी स्लीव्स, अपना चोला फॉल्स इस तरीके से सेट किए ताकि एक अरेंज हो जाए तरीके से, और उन्होंने हाथ अपना हिलाया, एक हाथ में ब्रेसलेट था उनके, और ऐसे करके ना वो इस तरीके से हाथ जोड़ के बैठ गए, एंड ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ही वाज ओनली वेयरिंग हिज शूज। हमारे तो सारे जूते वगैरह बाहर ही उतर जाते थे ना, आई लुक्ड एट हिम, और बहुत सुंदर जूतियां, उन्होंने जूतियां उतारी, एक जूते उतार के पैर ऐसे फोल्ड करके वो बैठ गए। तो दैट वाज अमेजिंग, अलग ही एक नजारा था गुरु जी का हमने देखा। तो मैंने कहा माय गॉड, He's the same person. क्या भी शर्ट पहन हुए थे और क्या, मतलब आई वॉज लुकिंग एट, मैं देखती रही देखती रही देखती रही, एक ना नजर नहीं हट रही थी, मतलब तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था वहां आस पास, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बट आई वॉज लुकिंग एट हिम वॉट ही वॉज डूइंग। एक ग्लास आया कवर्ड ग्लास, कुछ नहीं पता उसके अंदर क्या था, ढका हुआ था, वो साइड पे रख दिया उनकी टेबल पे, उन्होंने धीरे से उसको उठाया, एक सिप लिया, वहीं साइड पे रख दिया, चाय प्रसाद आ गई, चाय प्रसाद आ गई, चाय पिया, चाय बहुत स्वाद, चाय प्रसाद कांच के ग्लास के अंदर, एक ही सेवादार माँ सिंगला अंकल होते थे वो ही चाय प्रसाद देते थे, उसके बाद वही ग्लासेस उठाते थे और उठा के अंदर लेके जाते, ओनली वन सेवादार, नॉट मच ऑफ अ कियोस्क, नॉट मच ऑफ इतना ऐसा कोई वो नहीं था, आराम से संगत, बहुत क्वाइटली, वेरी पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ नहीं बोलना बोलना कुछ नहीं, ना फोन बज रहा कुछ नहीं, मतलब कंप्लीटली अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एक अलग ही नजारा था कि आप एकदम से ना शायद डिटैच होके आ गए हो, हट के इधर आ गए हो, और लोग आ रहे बहुत वेरी प्लीजिंगली, लोग आ रहे हैं मत्था टेक रहे हैं, उठ के जहां उनको जगह मिल रही है चुपचाप बैठ रही है, कोई वो नहीं किसी से पूछ रहा यहाँ बैठ जाए ये वो, झगड़ा झुगड़ा नहीं कर रहे, हमें यहीं बैठना है, हमें पीछे नहीं जाना, नो 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 नथिंग। एक इशारा हो जाता था, सेवादार कह देते थे आप ऊपर चले जाइए, ऊपर चले जाते थे, एक सेवादार बोलते थे आप यहाँ बैठ जाइए, आगे सेवादार वो आगे संगत होती थी थोड़ा आगे हो जाती थी, जगह दे देती थी, मतलब दैट इट वॉज दैट सिंपल, कोई वो नहीं था कि नहीं मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे को जगह नहीं, इट वॉज वेरी सिंपल, जैसे जैसे संगत आती जा रही थी जगह भी वो छोटे से हॉल में बनती जा रही थी, जो नीचे नहीं बैठ रहा था पीछे की तरफ दो तीन कुर्सी थी बैठ गए, वहां सीढ़ी थी सीढ़ी में बैठ गए, दैट वॉज लाइक वेरी सिंपल। और शब्द चल रहे थे, इतनी कोई तेज वॉल्यूम नहीं थी कि शब्द चल रहे थे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में नहीं, ओके प्लीजिंग कान अच्छे से ऑडिबल थे, हेयरेबल था, तो उतना था, इतना ज्यादा कुछ नहीं था, क्वाइटली वहां सारे, द वार्मथ वाज वेरी नाइस ओवर देयर इन दैट हॉल, नीचे कारपेट लगा हुआ था,
सिंपलिसिटी की तरह से वहां बैठे हुए थे, एसी चल रहा था, गर्मी का टाइम था, अर्ली 2006 में, तो वहां बैठे हुए थे और उसके बाद सडनली 9 बजे ओम नमः शिवाय वो स्टार्ट हुआ एंड इट एवरीथिंग चेंज्ड। एक दो सेवादार और उठे, किचन में गए और उन्होंने मैट्स बिछाने स्टार्ट कर दिए। हमारे साथ जौन सी संगत थी, वो टर्न हो गई, टर्न आमने सामने, उन्होंने इशारा किया ऐसे टर्न हो जाओ, टर्न हो गए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, जैसे जैसे बोला हूँ वैसे वैसे हो गए एंड गुरुजी वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही वॉज नॉट इवन लुकिंग। सेवादार क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बैठे हुए थे। शर्मिला टैगोर आई हुई थी उस टाइम पे, सिर ढक रखा था उसने, तो आई लुक्ड एट हर, आई सेड वाओ शर्मिला टैगोर आई हुई है यहाँ पर, पैर गुरुजी के दबा रही थी, बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के पास बैठी थी, व्हाइट कलर का दुपट्टा, व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी उसने और सिर ढक रखा था। तो आई सॉ हर, आई सेड वाओ वेरी क्रीम कम्स हियर, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस भी आ रही है यहाँ, तो अमेजिंग। एकदम से लंगर आ गया तो चार लोगों ने बैठ के, हम आमने सामने के दो लोग और एक साइड में, लंगर खाया। लंगर खाने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ के ऐसे किया, कुछ नहीं मुंह से तो सेवादार भी नहीं बोलते थे, हाथ जोड़ा, इशारा किया, इशारा समझ में आ गया। इट वाज वेरी, मतलब बड़ा इजी था, उठ के चले गए बाहर। बाहर चले गए तो सेम अमिता दी वहां थी, तो संजय कहता मैं मिलाता हूँ तेरे को किससे, तो उसने मिलाया अमिता दी, कह रहे अच्छा अच्छा वाइफ को लेके आया संजय आज, तो कह रहे हाँ, कह रही चल 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 मैं ना गुरुजी से ना बात कराती हूँ। आई वॉज ब्लैंक, तब मैंने उनको तब नहीं बताया, बाद में बताया था कि उन्होंने पैर नहीं छुआए, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या हुआ कि कहती चल 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 गुरुजी से बात करते, वहां चलते। तो वहां जाके ना हम बैठ गए, माय हस्बैंड साथ, मैं बैठी और अमिता दी ऐसे बैठी। तो अमिता दी जहाँ बैठी थी उनका फेस गुरुजी की तरफ था, मैं और संजय ऐसे बैठ गए थे थोड़ा सा ना टिल्ट होकर, क्योंकि वहां उसके बाद गुरुजी ने ना चोला उतार के नॉर्मल शर्ट पैंट दोबारा से रेड कलर की शर्ट एंड ट्राउजर के अंदर आके बैठ गए थे वो। तो क्या हुआ कि वो बैठ के ना हमसे बातें कर रही थी और कहती अभी ना बुलाएंगे गुरुजी, अभी रुक जा बुलाएंगे, और ना गुरुजी की तरफ ना टेढ़ी नजर से ना देखे जा रही थी, हमसे बात करती और देखे जा रही थी कि गुरुजी बुलाएंगे। गुरुजी बात कर रहे थे किसी के साथ, पैर फोल्ड करके बैठे हुए थे और बात करते और हंसे जा रहे थे, हंस रहे थे। और सडनली क्या हुआ, सडनली गुरुजी इतनी जोर से चिल्लाए, ओ मोटी हो की कर दियो, इधर आओ। वो वर्ड ही मेरे कान के अंदर इतनी बुरी तरह घुस गया, मोटी हो, बिकॉज अमिता दी वॉज ऑल्सो वेरी फैट एंड आई, तो मैं तो बता ही रही मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, माई वेट वॉज 97 kg के अराउंड था, बहुत ज्यादा मोटी थी। तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा यार ऐसे बुलाया, बिकॉज ना सामने की तरफ ना 3-4 लोग बैठे हुए थे और वो ना एकदम से छोड़ के ना देखने लग गए और हंसने लग गए, तो ना आई स्वेयर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा माई गॉड इतना जोर से इन्होंने कैसे बोला, और अमिता जी तो खुश होकर चली गई, चल 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 गुरुजी ने बुलाया, मतलब शी वॉज इतनी इनोसेंट थी, कहती है चल 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 गुरुजी से बात करी, उन्होंने बुलाया। उठ गए उनके पास जाके खड़े हो गए, मेरे को कह रही बैठ नीचे बैठ जा, मेरे हस्बैंड बैठे, मैं बैठी नीचे बैठ गई। तो गुरुजी ने फिर कहा कौन हैगा, अब मैं ऐसी मजाक में कहती कौन हैगा, ओहो राशन पानी वाला आएगा, कदे कदार ना फ्री लाया कर, गुरुजी ने ना ऐसे बोला, कदे कदार फ्री लाया कर। तो जैसे मजाक में हंसी मजाक हुआ, तो संजय ने पैर छू लिए, पैर छूने के बाद फिर उसके बाद मेरी तरफ देखा और मुझे कहते एक होने की, तो अमिता जी कान में जैसे ही बोलने, देखो बोलने से पहले ही ना पहले पूछते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद बोलने से पहले ही खुद ही जवाब दे दिया उन्होंने। तो वो कहने लगी गुरुजी ये ना जैसे, तो कहते अच्छा 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 यदि वोटी हैगी, ओ कुड़ी तेरा एडमिशन हो गया, जा चंगा है। तो मुझे ये वर्ड्स नहीं सुनाई दिए, तो कह रहे अच्छा अच्छा जा। संजय को फिर कहते हैं कि जा मौज किता कर। तो उठ के हम लोग बाहर गए एंड अमिता दी वॉज वेरी हैप्पी, यू आर ब्लेस्ड दीपिका, तेरे को तो गुरुजी ने हाँ गुरुजी ने ये भी कहा था कि कुड़ी चंगी हैगी, तेरा एडमिशन हो गया, जा ऐश कर। तो ना अंदर बाहर आके कहती कि गुरुजी ने ना तेरा एडमिशन कर दिया। मैंने कहा समझ में नहीं आया, मैंने कहा एडमिशन कर दिया वो क्या होता है,
कह रही नहीं नहीं दीपिका यू डोंट यू नो यू आर ब्लेस्ड। आते ही फर्स्ट लोगों के अंदर गुरुजी ने ऐसा कहा है कि तेरा एडमिशन हो गया और कुड़ी चंगी हैगी। मतलब मेरे को ना उस वक्त ये बहुत सिंपल सा लगा। मैंने कहा ठीक है कह दिया ऐसे नहीं नहीं यू डोंट नो संजय तेरे को एक ही को के अंदर कहा है मौज कर ऐश कर ये चीजें गुरुजी कभी किसी को नहीं कहते हैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो ऐसे करके मतलब शी स्टार्टेड। उसको पता था कि गुरुजी के वर्ड्स मुंह से निकले हुए क्या होते हैं क्या नहीं होते आई डोंट नो। तो हमने कहा अच्छा तो कहती चल 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 आज्ञा लेके जाना होता है यहाँ पर जैसे हम लोग जब जाते हैं ना तो गुरुजी से आज्ञा परमिशन लेके जाना होता है। मैंने कहा क्यों कह रही नहीं नहीं होता है यहाँ चल 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 ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो अब वही मेरे माइंड में उन्होंने पैर नहीं छुआए थे तो अब क्या करूं तो मैं चली तो गई वहां पर। एंड माइंड में वो कहते हैं ना आप माइंड में आपके होता है आप किसी को बोल नहीं सकते किसी को बता नहीं सकते हो। बाद में मैंने अमित दी को बताया था तो उन्होंने क्या कहा था बताती हूँ। तो मैं वहां गई मैं वहां जाके ना जैसे संजय आगे मत्था टेक के चले गए तो मेरी टर्न आई तो गुरु जी ने ना पैर फोल्ड कर रखे थे जैसे वो ना गद्दी पर भी वो ऐसे फोल्ड करके बैठे थे और बातें कर रहे थे हंस के बातें कर रहे थे किसी के साथ कोई बात कर रहा था तो जवाब दे रहे थे ऐसे करके। तो आई लुक्ड एट हिम आई वाज स्टैंडिंग देयर और उनके ना शूज नीचे पड़े हुए थे तो मैं जैसे ही बेंड हुई ही लुक्ड एट मी और उन्होंने अपने पैर गद्दी से उतारे और मेरी तरफ आगे बढ़ा दिए। मतलब दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन गुरु जी का के ले अब छू ले शायद यू आर वांटिंग यू नो। तो मन में था कि ये नहीं छुआएंगे क्योंकि पहली बार इन्होंने ऐसे करके इंसल्ट कर दी तो क्या हुआ उन्होंने पैर आगे बढ़ाए तो मैंने उनकी तरफ देखा स्माइल किया और ना मैंने उनके चरणों पर ना हाथ रखा। जैसे ही मैंने उनके चरणों के ऊपर हाथ रखा आई कांट फॉरगेट दैट यू नो दैट टच टिल डेट आई कांट फॉरगेट क्योंकि मैंने जैसे ही उनके चरणों पे हाथ रखा ना ऐसे हाथ रख के ना मतलब मेरे हाथ ना वहां जाके फ्रीज हो गए इट फ्रोज लाइक ऐसे जम गए ना कि मेरा हाथ उठाने का ना मन ही नहीं किया। आई कुड नॉट मतलब मैं हाथों को अपने हिला भी नहीं पाई ऐसे ऐसे ठप करके रख देते हैं ना और जैसे 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 हम लोग आज कहते हैं कि गुरुजी सरेंडर कर दिया हमने हमारा शरीर खत्म है हमने हम अंदर से सांस नहीं ले रहे बॉडी डेड है लाइक अ डेड बॉडी ना माई हैंड्स वर देयर एंड फ्रोज हो गए। तो शायद वो गुरुजी ने कराया एंड बिलीव यू मी उनकी ना पैर के अंगूठे की फर्स्ट फिंगर होती है ना फर्स्ट फिंगर अंगूठा होता है उसके साथ की फर्स्ट ऐसे करके हिली और जैसे ही उनकी फिंगर हिली ना मेरे हाथ एकदम से पीछे हुए हाथ पीछे किया मैंने और मैंने उनकी तरफ देखा और ना एक ना टेढ़ी नजर से वो मेरी तरफ देख रहे थे एंड गिव अ वेरी वेरी सूदिंग सन एक स्माइल दिया उन्होंने एक ना आई कॉन्टेक्ट हुआ एंड उन्होंने स्माइल दिया। उस स्माइल उस फर्स्ट लुक के अंदर ही ना मैं सब कुछ भूल गई एक वो नजर उनकी एक आंख की वो नजर जो थी ना आई फॉरगॉट एवरीथिंग। मतलब मैं सारा जैसे उन्होंने मेरे को ये बोला मोटी बोला पैर नहीं छुआ आई फॉरगॉट आज याद आ रहा है और वो भी शायद उनके जाने के बाद याद आया है और अभी सत्संग इतने कर रही हूँ तो बार बार वो चीजें याद आ रही है लेकिन उस वक्त मैं सब कुछ भूल गई और इतना अच्छा लगा उनके पैरों और उस दिन मतलब आई डोंट नो शायद उन्होंने कराया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उनके पास ज्यादा जाना है। दोबारा हम गए थे जब उसके बाद जितनी बारी गए हम लोग जितनी बारी मैं गई मुझे नहीं याद कि मैं कितनी बारी गई लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगी मैं ज्यादा नहीं गई। मेरे हस्बैंड जाते थे एवरी संडे यूज्ड टू गो कभी कभी सैटरडे हो जाता था लंगर का सामान तो जाता ही था तो माई हस्बैंड ने वो टाइम गुरुजी के चोला छोड़ने तक कुछ नहीं छोड़ा कोई संडे नहीं छोड़ा कभी कभी सैटरडे चले जाते थे एक खिंचाव था ही वॉज वेरी रेगुलर माई चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल
मेरी बेटी 2 साल की, बेटा 4 साल का, तो बेटे को स्कूल भेजना था, प्ले स्कूल भेजना होता था, तो संडे का दिन होता था, तो मंडे को मैं बच्चे को छोड़ के नहीं जाती थी, तो मैं एट टाइम्स बोल देती थी कि आप चले जाओ, बट माय हस्बैंड यूज्ड टू गो एवरी संडे। उसके अंदर से कभी मैं संडे चली गई, कभी महीने में 2 बारी चली गई, कभी 3 बारी, क्योंकि अगले दिन अगर बच्चों की स्कूल के अंदर छुट्टी होती तो मैं कहती चलो मैं भी चल रही हूँ, यू नो, सीरियसली अपनी इच्छा से जाती थी मैं। अगर लगता था कि हाँ घर के अंदर सब कुछ ईज आउट है या जा सकती हूँ, तो मैं कहती थी चलो बच्चों को छोड़ के मेड के पास मैं चलती हूँ साथ। बट ऐसा नहीं था कि, और ऐसा भी नहीं था कि गुरुजी ने उसके बाद बहुत ज्यादा बुलाया, उन्होंने पहले दिन शायद उन्होंने ये कह दिया था, तो आई थिंक दैट ब्लेसिंग वॉज मोर देन इनफ। ये जरूर था मैं अमिता जी के पास बहुत ज्यादा गई हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ उनके साथ हो गया था कनेक्शन। वो इतनी सिंप्लीफाइड, इतना प्यार करती थी मेरे को, इतना फोन करती थी, कभी बुला लेती थी अपने घर, तो मेरे को ना उन्हीं के साथ ज्यादा हो गया कि उनको, और उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी, जो जो वो मेरे को कहती थी ना कि दीपिका ये करना है, डुगरी जाना है, ये करना है, तो मैं उसको, उनको कभी मैं मना नहीं करती थी, कभी भी दीपिका मेरे पास आ जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास आ जा टाइम स्पेंड, मेरे को गुरुजी के बर्थडे के लिए मैंने कपड़े खरीदने हैं, मेरे पास आ, मेरे को लेके चल। तो मैं नॉर्थ से बसंत कुंज जाती थी उनको लेने के लिए, और उनको फिर फैब इंडिया से कपड़े दिलाकर फिर उनको छोड़ के फिर घर, ऐसे होता था। तो आई यूज टू लाइक हर कंपनी, तो और वो ना गुरु जी की बातें बहुत बताती थी, बहुत बातें उन्होंने मेरे को बताई, बहुत वो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने, लेकिन जब गुरु जी के पास मैं गई हूँ उसके बाद कोई फंक्शन नहीं छोड़ा बड़े मंदिर के अंदर, वीर गुरु जी का बर्थडे, सबसे पहले गुरु जी का बर्थडे आया, उसके बाद गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के बाद थर्ड वॉज गुरु जी द न्यू ईयर था, तब न्यू ईयर के बाद शिवरात्रि के बाद बैसाखी, ये फंक्शंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये फंक्शंस होते थे गुरु जी के बड़े मंदिर के अंदर, बाकी टाइम एम्पायर स्टेट। बड़े फंक्शंस जितने थे, बड़े फंक्शंस के अंदर बच्चों को लेकर गए, बच्चे साथ जाते थे, क्योंकि उस वक्त वहां थोड़ा सा ना एक बड़ा कंफर्टेबल सा एटमोसफेयर होता था कि आप बच्चों को लेके जा सकते हो, तो थोड़ा सा ना बच्चों के लिए, लेकिन ना ये डिफिकल्ट हो जाता था एम्पायर स्टेट के अंदर बैठना, थोड़ा सा पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठना। एक दो बारी लेके गई बच्चों को तो थोड़ा सा ना इरिटेट हो जाती थी मेरी डॉटर कि मम्मा क्या है, बहुत भूख लगती है, लंगर बहुत लेट आता है, ये होता है वो होता है करके ना, तो इसलिए दैट वॉज वेरी वो फिर हो जाता था कि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक तब से हम लोगों से तब बच्चों के लिए ये जगह थोड़ना है, छोटे है बच्चों के लिए तो क्या प्लेग्राउंड वगैरह होना चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। एंड गुरुजी भी मना करते होते थे कि बच्चों को नहीं, फैमिली था एक आए तो ठीक है। मैं जितनी बारी उसके बाद गुरुजी के पास गई, मैंने हमेशा हमेशा ये नोटिस किया, मैं जब उनके सामने गई हूँ अगर उन्होंने एक पैर फोल्ड भी कर रखा होता था ना, पैर के ऊपर पैर रखा होता था ना, तो मुझे देख के ना पैर उतार देते थे वो और आगे बढ़ा देते थे कि पैर छू ले। और जितनी बार उसके बाद मैंने पैर छुआ है, शायद ना एक वो कनेक्शन हो गया था मेरा और गुरु जी का कि मैं ना उनके पैरों पे से हाथ तब तक नहीं उठाती थी जब तक मैं वेट करती थी फर्स्ट फिंगर हिले तो मैं हटाऊ, और हमेशा फर्स्ट फिंगर वो उठाते ही उठाते थे। और शायद ये एक कनेक्शन हो गया था या मुझे आदत हो गई थी, मैं सच कहूं कि मैंने दोनों पैर, अगर उनके पैर उनके शूज में या उनकी जूतियों के अंदर भी होते थे ना, तो मेरे को जूतियों पे हाथ रखने का मन नहीं करता था कि मैंने कहा नहीं, उनके सॉक्स पहने हुए उनके दो चरण होते थे ना, आई कुड फील दैट टच, आई कुड फील दैट फिंगर ऑफ हिज मूविंग, यू नो फर्स्ट फिंगर मूविंग। तो हमेशा अगर वो जूतियों के अंदर भी होते थे या शूज, वो निकालते थे, निकाल के पैर आगे बढ़ा देते थे, या एक पैर फोल्ड कर रखा होता था या दो पैर आगे बढ़ा देते थे और मेरी तरफ आगे बढ़ाते थे। अमेजिंग, इतना अच्छा लगता है। तो उनकी ना फर्स्ट फिंगर दोनों हिलती थी ना, तो एक वो शायद मेरा कनेक्शन वही था कि, और आज की डेट में ना मैं जब भी मैं गुरुजी को कहते ना, गुरुजी क्या करा यार आपने, पहले टाइम मैंने पैर, तो क्या पता क्या,
अंदर से ना एक ही आवाज आती है कि गुरुजी शायद यही कह रहे होंगे, पहली बारी आई सी, पैर नहीं छुआने थे तन्ने, पैर नहीं छुआए मैंने, तेना दिल तेरा दिल नहीं सीगा, पैर नहीं छुआए, और उदे बाद पैर छड़ दी नहीं, तो फिर तेरे को बताना पाऊ, मतलब मेरे को पंजाबी इतनी आती नहीं है तो बताना पड़ेगा कि पहले छड़ दी नहीं सी, नहीं पहले फड़ दी नहीं सी, उदे बाद छड़ दी नहीं सी, तो मतलब जैसे पहले मैं पकड़ना नहीं चाहती थी तो उन्होंने पकड़ाया नहीं, उसके बाद मैं छोड़ना नहीं चाहती थी तो वो इंडिकेट करते थे कि बस हो गया छोड़ दे, हो गया छोड़ दे, तो दैट वाज अ वेरी, मेरा गुरुजी के साथ ना यही एक अटिल डेट ऐसा ही चल रहा है, मतलब मैंने ना ऐसे नहीं उनको कभी भी बोलिया कि हाय आप भगवान हो, हाय आपके साथ ये, मतलब कोई नॉर्म्स नहीं, कोई टर्म्स, कोई कंडीशंस नहीं, टिल डेट मेरा उनके साथ ना बड़ा कैजुअल, एक फ्रेंडली सा, एक फादर डॉटर का कह लो आप क्या रिश्ता, मतलब मैं रिश्ते का नाम भी नहीं ले सकती, आप ये भी कह सकते हो कई बार लव हेट रिलेशनशिप हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा, मैंने कहा मैं नहीं आपकी गलत बात, नाराज हो जाना कुछ भी, मतलब इट वॉज वेरी सिंपल, मतलब मेरा ऐसा नहीं होता था कि मैंने आना आना है तो मैंने हाय बहुत मत्था टेक नहीं करना, मैं आती हूँ सुबह सुबह यहाँ दरबार में चाय लेकर आती हूँ, चाय कई बारी अगर इनका गिलास धुला हुआ नहीं होता नहीं धो पाती हूँ जल्दी जल्दी चाय नीचे, अरे गुरुजी आपके साथ बैठी पीनी है तो नॉर्मल गिलास के अंदर चाय ले आई, लो गुरुजी पियो, वही अपना ही गिलास ले आई साथ में, चलो गुरुजी दोनों के दोनों साथ बैठ के चाय पीते हैं, कभी ऊपर बैठ जाना उनके चरणों के पास, कभी सामने बैठ जाना, ऐसा नहीं है कुछ भी, कभी उनके माथे को चूम लिया, यहाँ पर जब मैं उनके माथे पे चुआ था जब मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, मैं नीचे भागती हुई आई थी रात के 2 बजे, मैंने कहा थैंक यू सो मच कि लड़का सही है ना, वो अच्छा लगता है कि हम कहते हैं गुरुजी हमारे को तो आपने समर्पण है, हमारे को तो आप, हमने आपको सब दे दिया, लेकिन बस बच्चे ठीक पढ़ लिख जाए, बच्चे सही बन जाए, सब हो जाए, 2 बच्चे हैं, दोनों सही बन जाए, मेरी लाइफ के अंदर और कोई मोटो नहीं है, कोई लाइफ के अंदर कुछ इच्छा नहीं है एक्चुअली, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग कि आपने आंखें खुली के अंदर दर्शन दे दिए, ये चीज मैंने बोली थी, आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू शिव जी, और अगर आप ये कहते हैं ना कि अंदर अगर कुछ आपके आता है और गुरुजी सुन लेते हैं, ये चीज पहले भी होती थी, हम ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी के हमने जब देखा है तो कनेक्शन, मेरा शिव जी के साथ था, मेरा उनके साथ था, मेरे को उनका रूप द बॉडी लैंग्वेज उनके शिव जी की बहुत अच्छी लग रही थी, हैंडसम लुकिंग लगते थे मेरे को जब मैंने बचपन से उनको देखा, मैंने को मैंने आंखें बंद करती थी और मैं इनको चेहरा नहीं दिखता था, बट हिज बॉडी, हिज फेस, हिज शोल्डर्स, यू नो एक ऐसे बैठे हुए लाइक ना इस तरीके से बैठे हुए, आंखें बंद जमीन पे बैठे हुए, शिव पुराण पढ़ी है, कोई कहता था 3 बार पढ़नी चाहिए, 3 बार पढ़ ली, जितना समझ में आया जितना उन्हें समझाया समझ में आया होगा शायद, लेकिन शिव पुराण से इतना अटैच टू के शिव जी को जितना समझा जितना जाना, उनकी फैन हो गई, जो शिव जी को बोलती थी वो हो जाता था, ऐसा नहीं था कि कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जैसे ना वही मैं जैसे कह रही हूँ पैर छूने वाली बात, ऐसे मैं शिव जी को कहती थी तो हो जाता था, तो ना फिर एक डर भी लगता था कि यार कुछ बोल देती कुछ गलत तो नहीं बोल रही, कुछ गलत ना बोल दू, जो हो जाए, उसके बाद बोलना छोड़ दिया थोड़ा सा कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं जिक्र नहीं करूंगी, मेरे डैड गॉट वेरी अपसेट के ये बहुत ज्यादा पूजा में जा रही है, बहुत ज्यादा शिव पुराण पढ़ती है, सुबह सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला, शादी नहीं हुई थी मेरी तब की बात आ रही, तो अमृत वेला बहुत उठती है 4 से 6 घंटे बैठ के, एक शिवलिंग दिखता था हमारे घर से ना बिल्कुल छत पे से, एक मंदिर का शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, तो उस टाइम पे ना इन मेडिटेशन आई यूज्ड टू सी अ वेरी बिग शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग देखती थी, सीढ़ियां चढ़ के उसके ऊपर ना जल चढ़ा रही, बहुत बड़ा था, तो मैंने उठी और मैंने शिव जी को मैंने कहा सुनो एक बहुत बड़ा शिवलिंग दिखा, आई थिंक एशिया का ना बहुत बड़ा शिवलिंग है वो, तो कभी अगर मूड होगा ना तो दर्शन करा देना मेरे को, लेकिन दिल की इच्छा सिर्फ 2 थी, एक शिव पुराण में क्योंकि पढ़ रखा था, एक अमरनाथ जाना है और एक कैलाश मानसरोवर जाना है, क्योंकि सुना था कि शिव जी वहां विराजते हैं,
वो उनका जगह है जहां वो विराजती है। तो ये शुरू से था। तो अमरनाथ जी हो आई हूं और कैलाश मानसरोवर इन्होंने जाने नहीं दिया। गुरु जी ने मेरे को जाना था 18 के अंदर, दैट्स अ बिग सत्संग, वो फिर करूंगी। जिंदगी दे दी इन्होंने मेरे को दोबारा 18 के अंदर मानसरोवर जाना था। आई थिंक वो मैं बाद में करूंगी, बहुत लंबा सत्संग है। तो एंड बड़ा थोड़ा हार्ट टचिंग सत्संग है। और शायद और गुरु जी ने क्या क्या किया, वो बहुत कुछ किया, पता नहीं कैसे क्या किया। तो गुरु जी के आने के बाद आई कुड रिलेट कि मैं जो शिव जी से बातें करती थी, गुरु जी से वही बातें करती हूँ और वो सेम चीजें वो करते हैं। यू नो, एक कनेक्शन बीच में टूट गया था क्योंकि बहुत पूजा करती थी, मेरे डैड ने मना किया तो छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है छोड़ देती हूँ, क्योंकि शादी के ऊपर थोड़ा सा था कि पंडित लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा दिमाग में वहम डाल देते, कहते हैं कि शादी नहीं करेगी ये, इसलिए इसका नहीं, ये पूजा वाद छुड़वाओ, गलत करती है, मंदिर जाती है, शिवलिंग को हाथ लगाती है, ये करती है वो करती। मैं इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पंडित ने कहा, मेरे डैड वाज सैड, मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा डैड अगर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं तो ठीक है, आई लीव इट। एंड यस, माय डैड वाज ऑन वेंटिलेटर। ये जरूर मैंने कहा था कि शिव जी मैं आपके पास आना छोड़ रही हूँ, मंदिर नहीं आऊंगी, जोत नहीं जलाऊंगी, लेकिन आप एक काम करना, अगर आप जमीन पर हो तो एक बार मरने से पहले दर्शन दे देना कि आप कैसे दिखते हो। ये चीज जरूर मैंने बोली थी वो लास्ट डे जब मैं शिव जी के पास गई थी। और मैं बहुत ज्यादा नाराज थी उनसे कि मैं आपको छोड़ रही हूँ, आपको छोड़ रही हूँ, आपके पास नहीं आऊंगी। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो शायद गुरु जी ने कहा होगा कि पहले अभी गृहस्थ के अंदर घुस जा, बाद में। मेरे दादाजी ने एक बहुत अच्छी बात करी थी, मैंने उनकी बात सुनी थी। मैंने उनका जा, दादाजी मेरे फादर कह रहे हैं पूजा छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ दे, मैं ऐसे कैसे छोड़ दू, मैं अपने शिव जी को कैसे छोड़ दू। एक छोटी सी मूर्ति होती थी मेरे बेड साइड पे, मैं उनसे बातें करती थी रात भर, तो बातें करती थी, जवाब देते थे, एंड आई कुड फील हिम स्टैंडिंग विद मी, यू नो, मतलब आई कुड फील दैट। तो मेरे दादाजी ने एक बात बोली थी मेरे को, बेटा देख ये ना एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और ना स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर ना हम लोग ना कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। देख ऊपर तू शिव को मानती है, बहुत अच्छी बात थी, शिव को मानती है, नीचे जमीन पे तेरे फादर, तेरे उस शिव ने तेरे पापा दिए है ना, तो वो उनको मान, उनको बड़ा समझ, उनको हर्ट मत कर, किसी का दिल मत दुखा। अगर उनका दिल दुख रहा है कि तू जो कर रही है और वो कह रही है गलत है, क्या किसी के कहने पर कर रहे, कुछ कर रहे अपने पापा का दिल रखने के लिए, तू अभी रुक जा, शादी कर लो, सब कर लो। और उन्होंने ना एग्जाम्पल दिया, कहते देख सेवेंथ क्लास का बच्चा होता है ना, सेवेंथ क्लास का बच्चा किसी कारण की वजह से घर के अंदर कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाता है, किसी कारण की वजह से अगर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, और उसके बाद वो जब भी पढ़ाई शुरू करेगा, चाहे उसको एक साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, जब भी पढ़ाई शुरू करेगा ना, तो सेवेंथ क्लास से स्टार्ट करेगा, ABC से स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये चीज मेरे को ना एक्चुअली लग गया। तो मैंने तब इसलिए कहा था, शिव जी मैं आपको छोड़ रही हूँ, मेरे पापा इज नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, मैं मंदिर जाती हूँ बहुत ज्यादा, एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया था। माय डैड वाज, इट वाज नॉट दैट, इट वाज माय फॉल्ट ऑफ कोर्स, कि मैं कुछ ज्यादा ही हो गई थी सारे टाइम शिव जी, और ना लोगों के साथ बात करना छोड़ दिया था, लोगों से सब कुछ, क्योंकि ना एक वो ही होता है कि लोगों से बात करनी छोड़ दी थी, कहीं जाना छोड़ दिया था, तैयार होना बंद कर दिया था कि नहीं ये वो। तो आई वॉज वेरी अपना ही अपना, अंदर ही अंदर क्वाइट रहती थी, चुप रहती थी। तो मेरे डैड को लगा कि ये ना, और पंडित ने कह दिया था ये साध्वी बन जाएगी, इसको ना इस चीज से बाहर निकालो, ये शादी के लिए ना मना कर देगी कि मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा कुछ था तो नहीं मेरे मन में, लेकिन पंडित ने डाल दिया, तो माई डैड वॉज, हो सकता है तब गुरु जी ने कराया। और उस वक्त मैंने जो शिव जी को कहा वो गुरु जी ने सुन लिया, समय रहते उन्होंने दर्शन दिए, मेरे डैड चले गए, बट वो
पापा के रूप के अंदर आ गए मेरे पास, मेरे समक्ष एवरी मिनट। मैं सच कह रही हूँ, जो जो उन्होंने कहा वो प्रूफ किया उन्होंने। जैसे मेरी बेटी की बात मैंने आपको बताई, उसके बाद जो जो मुंह से जो जो चीज निकली है, तो टिल डेट उनके लिए शुक्राना है। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आप बहुत ज्यादा बोर कर दूंगी आपको ज्यादा चलती रही तो, क्योंकि सत्संग तो बैक टू बैक ऑन 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 है। कभी मौका मिला तो कर लेंगी दोबारा से सत्संग अगर उनका हुक्म हुआ। थैंक यू दीपक अंकल। सिर्फ एक बात बोलूंगी कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है वो ही है, जो है जो भी करते हैं वो करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते, और जो जो बातें वो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। इट्स जस्ट दैट। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिगनिंग जो मैंने सत्संग शेयर किया। उसके बाद के बहुत सत्संग है, जाने के बाद के बहुत सत्संग है। कभी मौका मिला तो, और अगर गुरुजी ने चाहा तो रूबरू मिलके उनके समक्ष बैठ के गुरुजी की गद्दी के सामने, इतना ब्यूटीफुल दरबार है, आई सॉ दैट। और मैं ना सोच रही थी कि मैं 7:30 उठूंगी, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, ठंड बहुत थी, तो मैंने कल रात को ना, लेकिन आपको सच कह रही हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा न्यू जर्सी के अंदर तो जीरो है। मैंने कहा शिट यार, मेरे को ऐसे नहीं, यहाँ पर तो 12 या 13 है, वहां तो जीरो है, तो ज्यादा ठंड है वहां तो दैट्स ओके। तो इसमें ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए। एंड आई डिड से, मैं दीपक अंकल को आता कि आप बताइए कि संगत बहुत ज्यादा किस टाइम आपको कंफर्टेबल टाइम कौन सा है। मेरे को छोड़ो, वो गुरुजी की सेवा है, मैं जल्दी उठ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आंटी आपके रात के टाइम आपको कंफर्टेबल टाइम है आई थिंक। तो इसीलिए मैंने सुबह गुरुजी के पास आना शुरू किया, शायद यहाँ दरबार के अंदर या हमारे यहाँ बेसमेंट में दरबार। ये एक बहुत ही बड़ा सत्संग है, एक जैसे उन्होंने, जैसे वो कराते हैं ना जब, तो वो ना धक्का धक्का ऐसे बढ़ता रहेगा, आप ना सोच नहीं पाओगे, दिमाग आपका बंद हो जाएगा और आपको धक्का पड़ता रहेगा, आप करते रहोगे, वो वाली चीज। इसलिए ये दरबार इस तरीके से बना के, इट्स अ बिग स्टोरी अगेन, वी कैन कॉल इट अ सत्संग, की किस तरीके से गुरुजी ऐसे आए यहाँ विराजे और सेवा बख्शी। सेवा का मतलब नहीं था, उनके सामने कोई सेवा नहीं करी मैंने कोई सेवा नहीं करी उनके सामने। मैं भागती थी। अमिता दी हमेशा बोलती थी गुरुजी को, बोलूंगी कि तू सेवा नहीं करती है ना, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती सेवा, गुरुजी को बताऊंगी कि इतना ना सेवा नहीं करती। और वो जाके चली गई थी एक दिन कि मैं गुरुजी को बोलूंगी, गुरुजी इसको सेवा, इसको किचन के अंदर सेवा दे दो या जल में सेवा दे दो, सेवा नहीं करती है। और ना मैंने ना मुंह टर्न कर लिया था कि ये चली गई है गुरुजी से बात करने के लिए, गुरुजी सेवा। तो ना क्या हुआ कि उसके बाद आ गई वो, मैंने कहा क्या हुआ, गुरुजी ने क्या कहा, कहती है उन्होंने तेरी तरफ देखा था और स्माइल दिया और मेरे को कहते बाद इच वड्डी वड्डी सेवा लेनी है एदे नाल। मैंने कहा अरे बच गई, आई वॉज लाइक दिस, उस टाइम की बातें बता रही हूँ, हम बच गई, कोई सेवा नहीं मिल रही। लेकिन ये नहीं पता था कि जब उन्होंने करानी है, भाव भी वही देंगे और क्षमता शरीर के अंदर शक्ति और हर चीज वो देते हैं कि सेवा अब करनी है तो कर ले। वो फील, वो वार्म्थ, वो डेप्थ, हर चीज एक शरीर को ऐसे खड़ा कर देंगे कि करनी है, यू नो, करनी है तो करनी है, हंस के करो, रो के करो, कैसे करो, तुमने करनी है सेवा। और हम करते हैं खुश होके करते हैं, सबसे बड़ी बात है खुश होके करते हैं सेवा, उस भाव से करते हैं, कोई मनाई नहीं है। तो इसलिए कहूंगी एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना। कभी इंडिया आए तो जरूर आइएगा, मिलिएगा। थैंक यू दीपक अंकल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू।